हम लोगों ने एक म्यूजिकल जंग छेड़ी है, जहाँ अभियान छेड़ा है, जहाँ पर हम सब एक दूसरे से बातें सिर्फ म्यूजिक में गा गा के कर रहे हैं। लेकिन उस पूरे चक्कर में एक लोकल पॉलिटिशियन की लड़की है, जिसका रिश्ता मेरे भाई से तय होने वाला था, लेकिन उस लड़की ने विभू को मेरा भाई समझ लिया और अब वो मेरे हस्बैंड से शादी, विभू से शादी करना चाहती है। और वो लोग चाहते हैं कि मैं विभू को डिवोर्स दे दूँ और विभू की शादी उससे हो जाए, तो वो ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो यही सिचुएशन है। तलाक ना हो इसलिए आप क्या करना चाह रही हैं? मैं तो तलाक नहीं देना चाह रही हूँ, लेकिन आगे क्या होता है और मैं विभू को कैसे बचा पाती हूँ या नहीं बचा पाती हूँ, इसके लिए आपको एपिसोड देखना पड़ेगा। और बीबी जी क्या बोल रहे हैं इस बारे में? विभू बहुत डरा हुआ है, विभू शादी ऑब्वियसली नहीं करना चाहता और वो बेचारा डरा हुआ है। लेकिन आप पॉलिटिशियन ने कहा है कि अगर आप तलाक नहीं देंगी तो मेरी बहन अपनी नस काट लेगी, और नस काट लेगी तो मैं आपका खून कर दूंगी। इसलिए आपका पूरा मैं देख रहा हूँ कि गाने में बातचीत जी, चालू है ये मैंने बताया ना आपको कि म्यूजिकल अभियान है और हम सब एक दूसरे से गाने में बात कर रहे हैं, किसने प्लान किया था? ये मैंने प्लान किया अच्छा, था। और कोई इंटरेस्टिंग सीन जैसे कि आगे? बस यही मैंने आपको सब बताया, अब आप देखिए एपिसोड और देखिए कि क्या होता है आगे। जैसे कि बात की जाए, गणपति जी का फेस्टिवल चल रहा है तो नहीं, आपने मैं गणपति जी का फेस्टिवल में गणपति जी को डुबाने में यकीन नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है इससे पोल्यूशन फैलता है और हम फेस्टिवल्स बिना पोल्यूशन फैलाए भी कर सकते हैं, तो मैं तो नहीं फिर भी रखती। तो आपने एंजॉय तो किया होगा कहीं नहीं, फ्रेंड्स? बिल्कुल भी नहीं, मैं ट्रैफिक में स्टक थी और मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि इतने वक्त और हज़ारों घंटों के लिए ट्रैफिक बंद हो जाता है। इट्स अ कॉज ऑफ इनकन्वीनियंस टू पब्लिक, एंड एनी थिंग दैट कॉजेज इनकन्वीनियंस टू पब्लिक आई डोंट सपोर्ट। और मैम लास्ट क्वेश्चन, अपने फैंस के बारे में क्या, जैसे कि आपका शो एकदम सुपर हिट हिट है और सबको आप एकदम खुश करके रखते हैं, कोई भी जी घर जी पे आता जी है परेशान हुआ कुछ भी आपका शो देखता है तो एकदम खुश हो जाता है, तो उनके लिए कुछ मैसेज है? बहुत अच्छा लगता है कि आप हमारा शो इतना पसंद आता है, आप ऐसे ही हमें प्यार देते रहें। और क्या 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 कागज है ये तलाक के पेपर से, इसे साइन कर दीजिए प्लीज। मैं नहीं दूंगी बेबू को तलाक। दे दो पहला जी, दे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी बेबू को तलाक। दे लो बेटी थोड़ा। अच्छा आप बैठ जाइए वहां पे अपनी बीवी को ऐसे होल्ड करके। नहीं, अरे दे दो तलाक, उसके बाद अनिता की लाइन होगी, मैं तलाक नहीं दूंगी बीबू को, फिर गाना गाना है ना जी? ठीक है, यहाँ तक टेक कर लेते हैं, ठीक बोलाएगा। इसको शता को पर्स वर्स दे दो। हाँ सर, रेडी। मम्मी, वो क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने एक बहुत ही खतरनाक ख्वाब देखा। ख्वाब देखा कि क्या क्या ख्वाब देखा? मैंने ख्वाब में देखा कि मेरी शादी उस भिड़ंगी औरत से हो गई है और मैं उसके साथ सुहागरात मना रहा हूँ और वो मेरा घुंघट उठा रही है और अंडर माय नोज इज प्लेस एंड आई एम गेटिंग अ रिंग। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा मत कहो, ऐसा नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? उसका भाई बड़ा खतरनाक आदमी है, देखने में तो बस लगन लग और एक्शन। क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? उसका भाई बहुत ही खतरनाक आदमी है, देखने में कंबख्त ऐसे लगता है कि लुकिंग लंदन ताकि टोक के, लेकिन बहुत ही खतरनाक। मुझे मुझे उस औरत के साथ शादी नहीं करनी, मैं जिंदगी में सेम मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। अनु मुझे उस औरत से शादी नहीं करनी। एक्शन। हाँ एक सिक्योरिटी होगी सर इसकी? नहीं नहीं इसकी नहीं होगी, ये करेक्ट है। बिनी सर हो ना इसकी? नहीं, ये इसी पोर्शन से, इसी लाइन से लीजिए। तो ले एक्शन। नहीं नहीं, मैं उस औरत से शादी नहीं करना चाहता, मैं जिंदगी में सेम मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। सेम मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं करना चाहिए, मतलब मुझसे शादी करके तुमने गलती की? मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। ये तो क्या मतलब है? इसका कौन आ सकता है? तुम जाके देखो ना प्लीज। देखो ना वो, तुम देख लो ना यार प्लीज। जरा जरा सी बात पे डरते हो ना, क्या मार दो तुम? ये जरा सी बात है, ये जरा सी बात है, चाहे बात बड़ी हो चाहे छोटी हो,
हमें हर मुश्किल का सामना डर हिम्मत से डट के करना चाहिए। ठीक है ना विपुल, चाहे मुसीबत कितनी ही बड़ी हो, हमें हर मुसीबत का सामना डट के करना चाहिए। कमाओ।